आई एम शिवांगिनी और आज हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 7 एटॉमिक थ्योरीज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली जो एटॉमिक थ्योरी दी थी वो दी थी डाल्टन ने 1808 में। डाल्टन ने कहा था कि जो मैटर होता है वो एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ होता है, जिसे हम एटम्स कहते हैं। एटम में जो इंडिविजिबल पार्टिकल है जिसको हम आगे तोड़ नहीं सकते, ये अविभाज्य है। और एटम सेम एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनका एटॉमिक मास, वॉल्यूम या स्ट्रक्चर सब सेम रहते हैं, लेकिन अगर कोई डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स है तो उनके एटॉमिक वॉल्यूम, मास, स्ट्रक्चर सब अलग अलग होंगे। और सेम या डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं होल नंबर रेशियो में। जैसे पॉइंट्स में नहीं, होल नंबर्स में वो कंबाइन होते हैं और एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, नए कंपाउंड का। और ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, जब केमिकल रिएक्शन होती है तो जो एटम्स होते हैं वो ओनली रीअरेंज होते हैं, वो उनके स्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ फ्री अरेंज होते, जैसे ऑर्डर में थे वैसे रीअरेंज होते हैं। तो जो डाल्टन था उसने सिर्फ एटम का इंट्रोडक्शन दिया था पर वो एटम से रिलेटेड एक्ट्स के बारे में नहीं बता पाया था, लेकिन उसने एक बहुत अच्छा बेस तैयार कर दिया था जो आगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स की जो डिस्कवरी हुई थी उनके लिए। इसके आगे थॉमसन ने और रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया था, तो उनका एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन। सर जे.जे. थॉमसन ने 1898 में अपना एटॉमिक मॉडल दिया था, जिस तब तक इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स की डिस्कवरी भी हो चुकी थी। तो उन्होंने कहा था कि जो एटम होता है वो एक स्फेयर होता है जिसमें सारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज यानी प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। उन्होंने कहा था कि जो नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है वो इक्वल्स टू किसके होता है, पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन्स के। इसीलिए जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ना तो उसमें नेगेटिव चार्ज रहता है ना पॉजिटिव चार्ज रहता है, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो। तभी तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हम बैलेंस कर पाएंगे, तभी वो न्यूट्रल होता है एलिमेंट कोई भी एटम। तो प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं हम इसको। उन्होंने कहा था कि जो एटम होता है वो स्फीयर होता है जिसमें सारा पॉजिटिव चार्ज होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते हैं ऐसे। तो प्लम पुडिंग एक क्रिसमस केक होता है जिसको इससे कंपेयर किया गया था, उसमें जो ये खाली पार्ट है उसको पुडिंग कहा गया था और जो इलेक्ट्रॉन्स है इसको प्लम से कंपेयर किया गया था। और इंडियन लैंग्वेज में बोले तो इसे वाटरमेलन मॉडल भी कहा गया था। जैसे कि वाटरमेलन तरबूज हम देखते हैं उसका जो रेड वाला पार्ट होता है उसको प्रोटॉन्स नाम दिया गया था और उसके जो सीड्स होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन्स नाम दिया गया था। लेकिन जो आगे रदरफोर्ड ने अपना गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया उसने इसको पूरी तरह गलत साबित कर दिया था। तो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट और रदरफोर्ड का मॉडल मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।